इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो इस बैठक पर लगातार आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बारिश की बात करते हैं। बारिश का कहर विदेशों में भी दिखने लगा है। यूरोपीय देश जर्मनी में बाढ़ से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। 165 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये पानी कितनी तबाही ला सकता है वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। जर्मनी से जो वीडियो हमें मिल रहे हैं वो बहुत डराने वाले हैं। ऐसे ही वीडियो यूरोप के दूसरे हिस्सों से भी मिल रहे हैं। जर्मनी से नीदरलैंड्स और बेल्जियम तक हर जगह बुरे हाल हैं। इन इलाकों ने जो मंजर अब देखा है वैसा पिछले 500 साल में नहीं देखा। यूरोप की पीढ़ियां पहली बार इस तबाही का सामना कर रही हैं। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक जर्मनी का हाल देखिए। तबाही की इससे साफ तस्वीर और नहीं दिखेगी। जर्मनी में यह ड्रोन से बनाया गया वीडियो है। बाढ़ कहां कहां पहुंची, पानी ने अपने रास्ते में आई हर चीज को कैसे खत्म कर दिया, वो आप इस फुटेज को देखकर बेहतर समझ सकते हैं। जर्मनी इस बाढ़ के आगे बहुत लाचार साबित हुआ है। ये वाकई बहुत ही डरावनी तस्वीर है। बहुत खराब हालात हैं। मैं सब कुछ देखकर हैरान हूँ। जितनी बर्बादी हुई है इसे बयान करने के लिए शब्द भी नहीं है। जर्मनी में मरने वालों की तादाद 150 के पार पहुंच गई है, जबकि बेल्जियम में 30 लोगों के मरने की खबर है। बेल्जियम से बाढ़ की जो वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर गाड़ियां बहती हुई नजर आईं, मकान ऐसे गिर पड़े जैसे ताश के पत्ते हों। ब्रसेल्स और एंटवर्प के बाद बेल्जियम के तीसरे सबसे बड़े शहर लीज को खाली कराने का आदेश देना पड़ा। लोगों से कहा गया कि वो पानी से बचने के लिए अपने घरों की सबसे ऊंची मंजिल या छत पर चले जाएं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।